मैं आपको बताने वाला हूँ WBC, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, या इसको आप TLC भी बोलते हो, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यह होता क्या है, हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है, इसके नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं, कम या ज़्यादा होने के रीज़न क्या होते हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हो, फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअली में WBC होता क्या है। तो दोस्तों WBC एक तरह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगल से लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को बचाता है बीमार होने से। यानी कि अगर आपके शरीर में किसी कारणवश कोई बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया या वायरल कोई भी बीमारी आपको हो चुकी है, तो जो WBC होता है ये उससे फाइट करता है और हमारे शरीर की यानी कि सुरक्षा करता है। कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं दोस्तों जहाँ पे ये कम या ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 4000 से लेके 11000 तक ये नॉर्मल रेंज होते हैं। जब ये WBC अगर अपने नॉर्मल रेंज से अगर हाई हो जाता है, यानी कि WBC अगर हाई हो जाता है, तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब यह नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो इसको हम ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से यह कम या ज़्यादा हो जाता है, बात करेंगे कि WBC ऐसे कौन सी अवस्था होती है या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से WBC लो हो जाता है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अगर HIV हुआ है तो उस कंडीशन में जो WBC होता है वह लो हो जाता है। अगर ऑटो इम्यून डिसीज हुआ है तो उस कंडीशन में भी WBC लो हो जाता है। अगर लैम्फोमा कैंसर हुआ है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में WBC आपको लो देखने को मिल जाएगा। अगर सेवरल इन्फेक्शन हुआ है, सेवरल इन्फेक्शन मतलब ये अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल हुआ है या वायरस इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में जो WBC होता है वो लो हो जाता है। जैसे एक पेशेंट को अगर मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और भी बहुत तरह के ऐसे फीवर वगैरह होते हैं या वायरल फीवर हो गया, तो उस कंडीशन में WBC लो हो जाता है। अगर पेशेंट को अगर रेडियोलॉजी अगर थेरेपी दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी जो WBC होता है वो लो हो जाता है। अगर किसी को लीवर या स्प्लिन प्रॉब्लम है या स्प्लिन डिसीज है, तो उस कंडीशन में जो WBC होता है उसके रेंज आपको कम देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे मेडिसिन्स है या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिसके वजह से जो WBC होता है दोस्तों वो लो हो जाता है, यानी कि ल्यूकोपेनिया हो जाता है। तो इन सब रीजन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से WBC लो होने के खतरा बना रहता है। अब हम बात करेंगे कौन सी स्थिति होती है जहाँ पर WBC हाई हो जाता है, यानी कि WBC हाई होने के रीजन क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो आता है दोस्तों, अगर किसी कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्मोकिंग करता है, यानी कि स्मोकिंग ज़्यादा कोई कर रहा है, लंबे टाइम से कर रहा है, तो उसके जो WBC होते हैं वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं या हमेशा हाई बना हुआ रहता है। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो आप देखोगे जो WBC होता है वो WBC हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को ट्यूमर इन बोन मैरो, अगर किसी को बोन मैरो में ट्यूमर हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो WBC होता है वो हाई बना रहता है। अगर ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर होता है, कई तरह कैंसर होते हैं जिसमें अगर ल्यूकेमिया किसी को अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे WBC हमेशा हाई बन रहता है। अर्थराइटिस के कोई पेशेंट है तो उसका भी WBC हाई बना रहता है। अगर किसी को बॉवल डिसीज हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो WBC होता है वो हाई हो जाता है। अगर स्ट्रेस में हो आप, काफ़ी ज़्यादा मेंटली या फिजिकली, या आप स्ट्रेस में हो या इमोशनली किसी भी तरह से अगर स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस की अवस्था में भी जो WBC होता है दोस्तों वो हाई हो जाता है। अगर अब ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर काफ़ी टाइम तक एक्सरसाइज करते हो, तो उस कंडीशन में भी WBC ज़्यादा होने के यानी कि हाई होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को टिश्यू डैमेज हुआ है बॉडी में, अगर टिश्यू डैमेज यानी कि कहीं पे अगर कट वगैरह गया है, कहीं पे चोट वगैरह लगी है ज़्यादा, तो उस स्थिति में भी जो WBC होता है दोस्तों वो अचानक से बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए बढ़ते हैं। अगर एलर्जी किसी को हुआ है, तो उस कंडीशन में WBC बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो WBC होता है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। यानी कि WBC हाई होने के बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से WBC बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे WBC में ये होते हैं जो कुछ टाइम के लिए बढ़ते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर रहा है, तो कुछ टाइम तक उसका WBC हाई रहेगा, फिर धीरे से वो कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो इतने सारे रीजन होते हैं, ये होते हैं WBC के कारण और फायदे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WBC के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स का मतलब क्या होता है, कम या ज़्यादा होने का चांसेस क्या रहता है। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।